दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 तारीख को हमारे बैटल रॉयल का न्यू रैंक सीजन आने वाला है, जिसके अंदर रैंक पुश करने के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी और एक बेस्ट कॉम्बिनेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बेस्ट स्ट्रेटजी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं या फिर नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। और इसके लिए हमें कहीं और नहीं जाना, अगर आप लोग गेम के अंदर ही देखोगे तो यहाँ पर आपको रिकमेंडेड वाले ऑप्शन के अंदर काफी सारे कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे, जिसको कि फ्री फायर वालों ने हमें खुद से रेकमेंड किया। बट क्या इन कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग न्यू रैंक सीजन के अंदर रैंक पुश कर सकते हैं? चलो इसी के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यार, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो ऐसे और भी कमाल के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, सो बात करते हैं आज के हमारे फर्स्ट रेकमेंडेड कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसका नाम है रशर, जहां पर यूज किया गया तसुया प्लस शानी प्लस जोटा प्लस हयातो के एबिलिटी को। अब जैसा कि इस कॉम्बिनेशन का नाम ही रशर है, तो डेफिनेटली ये जो कॉम्बिनेशन है वो एक रशिंग कॉम्बिनेशन होने वाला है। और जिन लोगों को डाउट था कि अपडेट के बाद क्या उनको तसुया यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो उनका सिंपल सा आंसर है कि हाँ, आपको डेफिनेटली अपडेट के बाद भी तसुया की एबिलिटी को यूज करना चाहिए अगर आप एक रसर हो तो। सबसे पहले तो यार मैं सभी कॉम्बिनेशंस के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, फिर एंड में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जिसको आप लोग बिल्कुल मिस मत करना अगर आप लोग न्यू रैंक सीजन के अंदर रैंक पुश करने वाले हो तो। देखो, अगर आप लोग इस वाले कॉम्बिनेशन को रसिंग के लिए यूज करोगे तो यहां पर आपको रस करने के लिए तसुया, शानी और हयातो का एबिलिटी मिल जाता है, जहां पर तसुया की एबिलिटी को यूज करके आप लोग एनिमीज के ऊपर जल्दी से रस कर सकते हो। और जैसे ही आप लोग तसुया की एबिलिटी को यूज करके एनिमी के ऊपर रस करने जाओगे तो वहां पर शानी आपको 50 सील्ड पॉइंट दे देगी, मतलब कि कुछ सेकंड के लिए आपका जो एचपी है वो 50 से इंक्रीज हो जाएगा। और वहीं फाइट को इजीली निकालने के लिए यहां पर आपको हयातो का भी एबिलिटी मिल जाता है, जो कि आपका आर्मर पेनिट्रेशन इंक्रीज करेगा, और अगर आपको डैमेज पड़ता है तो वहां पर एचपी रिकवर करने के लिए आपको जोटा का एबिलिटी मिल जाता है। सो ओवरऑल अगर आप लोग रस करने के लिए इस वाले कॉम्बिनेशन को यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। यहां पर आपको एक्स्ट्रा स्पीड, एक्स्ट्रा एचपी, एक्स्ट्रा आर्मर पेनिट्रेशन और एचपी रिकवर वाला एबिलिटी मिल जाता है, जो कि आपको रस करते टाइम काफी काम आएगा। सो यस, अगर आप लोग न्यू रैंक सीजन के अंदर फुल रस गेम प्ले करने वाले हो तो डेफिनेटली भाई मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, इस वाले कॉम्बिनेशन को आप लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो। ओके, सो अब जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है उसका नाम है स्नाइपर, जहां पर यूज किया गया क्रोनो प्लस मोको प्लस नारी प्लस रफाइल के एबिलिटी को। अब देखो, यहां पर जो आपको क्रोनो का एबिलिटी मिलता है ना, वो मेरे ख्याल से स्नाइपर्स के लिए उतना यूजफुल नहीं है। उसकी जगह पर आप लोग आयरिस या फिर स्काइलर के एबिलिटी को यूज कर सकते हो, वो आपको स्नाइपिंग के अंदर ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। बाकी उसके अलावा जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है वो स्नाइपर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। बाकी यहां पर भी अगर आप लोग चाहो तो चेंजेस कर सकते हो, नायरी की जगह पर आप लोग डिफेंसिव एबिलिटीज को यूज कर सकते हो, लाइक हमारा एंड्री हो गया, जेबीप्स हो गया या फिर वुल्फ्रा हो गया। क्योंकि जब भी आप लोग स्नाइपिंग करने के लिए पीक लोगे, अगर आपके पास वहां पर डिफेंसिव एबिलिटीज होगी तो एनिमी अगर आपको डैमेज देता है तो आपके ऊपर कम डैमेज पड़ेगा, जिससे कि आपके नॉक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बाकी उसके अलावा कॉम्बिनेशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, एक्टिव कैरेक्टर के अंदर आप लोग क्रोनो को यूज मत करना, आयरिस या फिर स्काइलर को यूज करना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसके बाद जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है उसका नाम है राइफलर, जहां पर यूज किया गया आयरिस प्लस लूना प्लस निकिता प्लस केली की एबिलिटी को। अब ऑनेस्टली बताऊं तो भाई, अगर आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट वगैरह ज्यादा करते हो, मतलब कि आप लोग राइफल्स का यूज ज्यादा करते हो, मतलब एआर राइफल्स या फिर मार्क्समैन राइफल्स का यूज करते हो, तो डेफिनेटली भाई ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, वो आपके लिए खतरनाक होने वाला है। क्योंकि यहां पर आपको आयरिस का एबिलिटी मिल जाता है, जिससे कि आप लोग एनिमी को ग्लू वॉल के आर पर डैमेज दे सकते हो, और साथ ही में आपको लूना का भी एबिलिटी मिल जाता है, जिससे कि आपके गन से कम टाइम के अंदर ज्यादा गोलियां निकलेंगी। और साथ ही में यहां पर आपको निकिता की भी एबिलिटी मिल जाती है, जिससे आपको दो दो बेनिफिट्स मिलेगा। एक तो आपको यहां पर लूना का एबिलिटी मिलता है, जिससे कि आपका गन का रेट ऑफ फायर इंक्रीज हो जाता है, और रेट ऑफ फायर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली आपका जो मैगजीन है वो जल्दी खाली हो जाएगा, और खाली होगा तो आपको रिलोड करना पड़ेगा। और यहां पर जो निकिता है वो आपके गन के रिलोड स्पीड को इंक्रीज कर देती है, साथ में आप लोग जिस एनिमी को डैमेज देते हो, अगर वो मेडिकेट करता है तो उसको मेडिकेट से कम हेल्थ मिलेगा, जिससे कि डैमेज देने के बाद अगर वो हील करता भी है तो उससे उसको कम एचपी मिलेगा, जिसके बाद आप लोग जल्दी से केली की एबिलिटी को यूज करके उसके ऊपर रस कर सकते हो, फिर उसको शॉर्ट रेंज के अंदर जाके खत्म कर सकते हो। और बाई चांस अगर कोई एनिमी ओपन में फंस जाता है तो भाई वहां पर तो उसका बचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर आपको आयरिस का एबिलिटी मिलता है, तो भाई वो कितने भी वॉल्स लगा ले उसका बचना इम्पॉसिबल है। तो डेफिनेटली भाई अगर आप लोग लॉन्ग रेंज के अंदर फाइट्स ज्यादा करते हो तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए वन ऑफ दी बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है, जिसको आप लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो। ओके, सो अब जो हमारा सेकंड लास्ट कॉम्बिनेशन है उसका नाम है बॉम्बर, जहां पर यूज किया गया होमर प्लस अल्वारो प्लस मैक्सिम प्लस एंटोनियो के एबिलिटी को। अब देखो, अगर आपको नेडिंग करना है तो आप लोग डेफिनेटली होमर के साथ अल्वारो के एबिलिटी को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नेडिंग करना है और साथ में होमर के एबिलिटी को यूज करना है तो यहां पर मोको के एबिलिटी को आपको जरूर यूज करना चाहिए, उससे आपको होमर के साथ भी बेनिफिट मिलेगा और नेडिंग के लिए अल्वारो के साथ भी बेनिफिट मिलेगा। तो भले आप लोग मैक्सिम को हटाओ या फिर एंटोनियो को हटाओ, लेकिन मोको को आपको यहां पर जरूर ऐड करना है। अब ये आप लोग देख लो कि आपको किसको हटाकर मोको को ऐड करना है। बाकी अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को इसके नेम के हिसाब से देखूं तो भाई इसको ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि अगर आपको नेडिंग करना है तो नो डाउट आप लोग अल्वारो और होमर को यूज कर सकते हो, लेकिन बिना मोको के आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग एज अ नेडर इस वाले कॉम्बिनेशन को यूज करने का सोच लेते तो मेरा आंसर क्लियर कट नो है, बाकी जो चेंजेस आपको
मैंने बताया है उसको करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, सो अब जो आज का हमारा आखिरी रेकमेंडेड कॉम्बिनेशन है उसका नाम है सपोर्ट, जहां पर यूज किया गया डिमिट्री प्लस थीवा प्लस सोनिया प्लस कपिला की एबिलिटी। अब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये पर्टिकुलरली सपोर्टर्स के लिए होने वाला है, मतलब कि अगर आप लोग अपने टीममेट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, उनको रिवाइव वगैरह देते हो, तो आपके लिए ये वाला कॉम्बिनेशन होने वाला है। बाकी अगर आप लोग नॉर्मल प्लेयर्स हो तो आप इसको यूज मत करना। बाकी इसके ऊपर मैं और ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि फ्री फायर वाले हमेशा रेकमेंडेड सेक्शन के अंदर सपोर्ट के अंदर इस वाले कॉम्बिनेशन को जरूर डालते हैं, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2-3 बार बात कर चुका हूं। बाकी हाँ, जैसा आपको मैंने बताया कि अगर आप लोग एज अ सपोर्टर हो तो डेफिनेटली आप इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो, इससे आपके टीममेट्स को काफी बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। अब एंड में जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि इन सभी में से किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर ना आपको मिशा की एबिलिटी नहीं मिलती है, और अभी के टाइम पे अगर आपको बैटल रॉयल के अंदर शुरुआत में, मतलब रैंक सीजन के अंदर शुरुआत में रैंक पुश करना है, तो वहां पर जो मिशा की एबिलिटी है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आजकल ना काफी सारे बंदे बैटल रॉयल के अंदर रैंक पुश करने के लिए व्हीकल्स का यूज करते हैं, तो अगर आपको उनको टैकल करना है तो आपको भी मिशा की एबिलिटी को यूज करना पड़ेगा। तो भले आप लोग इनमें से किसी कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हो या फिर अपना खुद का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, अगर आपको व्हीकल्स यूज करना अच्छा लगता है या फिर आप लोग व्हीकल्स का यूज करते हो तो अपने कॉम्बिनेशन के अंदर आप लोग मिशा की एबिलिटी को जरूर ऐड करना। बाकी आज का ये वीडियो ये तक था, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर देना। और अब अगर आपको मेरे रेकमेंडेड कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है बैटल रॉयल के लिए, तो आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, और अगर आपको जानना है कि आप लोग हार्ड लॉबी के अंदर कैसे रैंक पुश कर सकते हो तो आप लोग राइट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।